महाराष्ट्र से आए हैं, मोदी सरकार के पास हमारी कुछ शिकायतें लेकर आई है, कुछ मांगे लेकर आई है, और हमने पिछले 8 दिनों से पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पीएम ऑफिस से संपर्क रखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आज हमें शिष्टमंडल को पीएम ऑफिस से हमें बुलाया जाएगा, हमारी मुलाकात की जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ने दिया है। जिन मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारी सबसे पहली मांग है कि देश में आरक्षण का कानून होना चाहिए। आप जानते होंगे कि पिछले 70 साल आरक्षण को लेकर इस देश में बहुत सारी बातें गलत सहित की जाती है। आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जाती है, आरक्षण को मिटाने की बात की जाती है, और इसी प्रकार पिछले 60-70 साल में आरक्षण के संदर्भ में देश के सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट से जो अनेक प्रकार के फैसले आए हैं, वो एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। जैसे कि इंदिरा सहानी का मसला होगा, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान का मसला होगा। हमने मांग की है कि देश में आरक्षण का कानून अगर पारित किया जाता है तो आरक्षण का अमल करना, आरक्षण का अमल बजावनी करने की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। आरक्षण किसको देना है, किसके किस टक्के में देना है, किस संख्या में देना है, किन किन को आरक्षण देना है और किस जगह पर आरक्षण देना है, इसका कानून करने के बाद मुझे लगता है कि इस देश में वापस आरक्षण का मसला खड़ा नहीं होगा। हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके कार्यकाल में आरक्षण का कानून सम्मिलित होना चाहिए, और देश की जनता उम्मीद रखती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार बाबा साहब को, अंबेडकर जी को प्रति संवेदना जताने वाले मोदी साहब, गरीबों के हमदर्द कहने वाले मोदी साहब, इस देश के दलितों का आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण का कानून सम्मत करेंगे। दूसरी मांग लेकर हम चल रहे हैं, इस देश का जो शिक्षण व्यवस्था है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बन सकता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन सकता है, और रिक्शा ड्राइवर का बच्चा रिक्शा ड्राइवर ही बन सकता है। इस प्रकार की यहाँ क्या शिक्षण नीति है, हम ये कहते हैं कि सबको समान मौका अगर की बात की जाती है तो हमारी मांग है कि सबको समान एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन, और वो कॉमन एजुकेशन के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी एक पार्टी बना रखी। हमारी रिपब्लिकन, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी हमारी जात पंचायत है, हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, और हमारे बहुत सारे ग्रुप इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आज दिल्ली जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से दलितों के तमाम अलग अलग संगठन जो है उसके प्रमुख हम लोग यहाँ पर आए। हमारी जो मांग है वो नासिक में जो एयरपोर्ट है उसको बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, जिसने पूरे मूवमेंट में बाबा साहब को साथ दिया, ऐसा दादा साहब गायकवाड़ का नाम दिया जाए, ये मांग लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन एक्ट होना चाहिए, वो रिजर्वेशन एक्ट की मांग लेकर हम यहाँ पर आए हुए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी पहल हुई है, वो पहल ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो इस देश में आ रहे, हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी पहल है और उस पहल को मजबूत किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आ रहे इस देश के अंदर उसमें भी दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें जो ओपन कास्ट के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया है उनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए, हर एक को उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो रिजर्वेशन अभी 10% ओपन के लिए रखा है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC VJNT के लिए जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण का उस यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए, ये बड़ी मांग लेकर हम जंतर मंतर पर आए हुए।